हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान टेक दिनादिन से और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रोम ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट की इमेजेस को कैसे रोटेट कर सकते हैं। ये करना बहुत आसान है और हम इसके लिए एक फ्री क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे जिसका नाम है फ्लिप दिस। ये देखिए, मैंने इस एक्सटेंशन का पेज ओपन कर रखा है। मैं इस एक्सटेंशन का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जब आप इस एक्सटेंशन के पेज पर जाएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐड टू क्रोम, इस पर क्लिक कीजिए और फिर इस पॉपअप में ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कीजिए। फिर जल्दी ही ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा आपके क्रोम पर और आपको क्रोम की एड्रेस बार के पास यहाँ पे इस एक्सटेंशन का आइकॉन दिखने लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस एक्सटेंशन को किसी भी वेब पेज पर यूज़ कर सकते हैं उसकी इमेजेस को रोटेट करने के लिए। ये देखिए, मैं अब इस वेबसाइट पर हूँ। सबसे पहले मैं इस वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जब ये वेब पेज रिफ्रेश हुआ है, अब हम किसी इमेज पे चलते हैं जिसे हम रोटेट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक इमेज है। इस इमेज को रोटेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस इमेज को सिलेक्ट करना है। ये मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा फ्लिप दिस। इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, रोटेट -90 डिग्री। इन तीनों ऑप्शंस के यूज़ करके आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टली और फ्लिप वर्टिकली। इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप इमेज को फ्लिप कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इमेज को रोटेट करके देखते हैं 90 डिग्री से। मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया और आपने देखा कि ये इमेज हमारी एकदम रोटेट हो गई है। आइए अब इसे एक बार वापस इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और इसके बाद हम फ्लिप वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे कि इमेज को हम कैसे फ्लिप कर सकते हैं। ये पेज रिफ्रेश हो गया है और अब मैं दोबारा से उसी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इमेज सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। मैं दोबारा फ्लिप दिस का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और फिर इस बार मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली का ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ऑप्शन चूज़ किया, आपने देखा कि मेरी इमेज हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से मैं इमेज को रोटेट कर पाया इस वेब पेज पर। इस एक्सटेंशन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस एक्सटेंशन के आइकॉन को क्लिक करेंगे तो एक्चुअली आपका पूरा पेज ही रोटेट हो जाएगा। देखिए, ये हमारा पूरा पेज रोटेट हो गया है। इसे वापस सीधा करने के लिए आप एक्सटेंशन के आइकॉन को दोबारा क्लिक कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों के साथ कुछ मज़ा लेने का। तो दोस्तों, आपने देखा कितना आसान है ये एक्सटेंशन यूज़ करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे टिप्स लाने वाले हैं जो कि आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करना सिखाएगा। धन्यवाद।